नमस्कार, बर्ड वॉच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों में। आज से संपूर्ण मध्य प्रदेश में सहित जिन राज्यों में चुनाव होना है, आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्टर सभा कक्ष में आवश्यक निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर रोक लगाई जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 2 नवंबर शुक्रवार और अंतिम डेट नॉमिनेशन के लिए 9 नवंबर फ्राइडे और स्क्रूटनी के लिए 12 नवंबर वो सोमवार आ रहा और विद्रायन के लिए अंतिम दिन 14 नवंबर बुधवार और पोल का डेट है चुनाव मतदान का दिन 28 नवंबर बुधवार आ रहा और काउंटिंग 11 दिसंबर मंगलवार। ये शेड्यूल अभी चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया, तो अभी से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो रहा है कठोर एमपी में, हमारे जिले में भी है। हमारा जिले में 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब लोगों को मालूम है, लगभग 1181 मतदान केंद्र है। और पिछला महीना कुछ हमारा ड्राइव चलाया, इसमें बहुत सारा नया नाम नया मतदाता भी जोड़ गया। इसके पहले हमारा जेंडर रेशियो मतलब 1000 पुरुष के विरुद्ध कितना महिला है, पहले थोड़ा कम था, बट हमारा स्पेशल ड्राइव में बहुत सारा महिला मतदाता जोड़ गया। इसमें हमारा जेंडर रेशियो 1:99 से अभी आज की डेट में 915.63 बढ़ गया। प्रावधान आदर्श आचार संहिता के तहत लागू करवाए जाते हैं, वो आगामी त्योहारों के दिनों में भी लागू होंगे, प्रभावी तरीके से लागू होंगे। तो मुख्य रूप से जो बातें आती हैं, जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। और आप लोगों के माध्यम से हम ये आमजन को बताना चाहते हैं कि इस नियम का सभी लोग पालन करें। मोटर व्हीकल एक्ट के तमाम प्रावधानों का भी पालन किया जाना सभी से सुनिश्चित करवाया जाएगा। अन्य माइनर एक्ट्स हैं आईपीसी के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन कराया जाना है, इसमें आदर्श आचार संहिता भी एक मूल आवश्यकता। और यूथ का 20 से 29 साल की मतदाता लगभग 27.7% है, पूरा हमारा जिले का मतदाता में 27.7% 22-29 में। स्थानीय जटाशंकर धाम के समीप बेलाताल टापू में साई मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वही पंडित कमलेश्वरानंद जी के मुख से भागवत कथा को सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार के गुरु बनाए, मधुहा हरिणो मीना, हिरण को भी अपना गुरु बनाया। हिरण को कैसे अपना गुरु बनाया? हिरण को ऐसे अपना गुरु बनाया कि हिरण मृग तृष्णा, जब हिरण जंगल में विचरण करता है और जैसे यहाँ जल भरा हो पीने के लिए जाता है, वहां कुछ नहीं मिलता, आगे की ओर बढ़ता जाता है लेकिन उसे जल की प्राप्ति नहीं होती। मृग को महाराजा अग्रसेन जयंती की तैयारियों में आज अग्रवाल धर्मशाला में मैदा बेसन से ज्वेलरी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल महिला मिलन समिति द्वारा किया गया।
जिसमें समाज की महिलाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। हाँ चला रहे हैं सब। फोटो सबकी अब उठवा देना। क्या बनाया है? बटियागढ़ थाना क्षेत्र के समीप आए दिन घटनाओं का क्रम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले बीते दिनों में हमारे एक पत्रकार साथी की मौत, वहीं एक पिता पुत्र की सड़क हादसे में मौत, और आज सुबह एक पुत्र अपने पिता को इलाज के लिए जिला अस्पताल दमोह ला रहा था, वहीं रास्ते में बाइक फिसल जाने से पिता हीरा लाल पटेल की, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, मृत्यु हो गई। वहीं घायल बालक का इलाज जारी है। बटियागढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ डॉक्टर, बुलाओ जल्दी यार। कहाँ है डॉक्टर? बुलाओ चलो जानकारी के अनुसार राजा पटना गांव के समीप एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से दो लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला उर्मिला पाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं साथ में आए युवक का इलाज जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। दिखा कर
नहीं जी बढ़िया। कैसे चलेंगे? सिलेंडर सिलेंडर।